Hello guys, welcome back to our channel. Mr. and Mrs. Pandit. So today we are going to give our reaction on one of the most requested video content, you can say. And it is a comedy content. Yes. And this one is Angry Prash. Yes. And we are extremely happy that at last we are giving reaction. And the video name is Bollywood ka Panchnama. तो आप समझ सकते हैं. Yes. क्या होने वाला है? कैसा पंचनामा होने वाला है? कितना roasting होगा? And I'm feeling very happy. Yes. So let's get started because this is Bollywood. And let's get started. But before that, if you like today's content, don't forget to subscribe and also please click on the notification bell. तो चलो शुरू करते हैं. Yes. Okay. There. भाई बहुत bore हो रहा है. चलो movie देखते हैं. कौन सा movie? वो नया movie देखते हैं ना, बागी 3. बागी 3. अरे जब वो पिक्चर के राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खोपड़ी से अकल जब भागी थी तब जाके निकला बागी 3. अरे एक बार पब्लिक में टट्टी किया तो समझता है चलो बेचारे का पेट खराब होगा, लेकिन तीन तीन बार टट्टी कौन करता है बे? वो मूवी कम टाइगर श्रॉफ का बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन ज्यादा लग रहा था. मैं बोल रहा हूँ ये मूवी देखकर जग्गू दादा ने अपने मन में एक बार तो बोला होगा, ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ. बता एक बॉलीवुड मूवी कैसे बनती है? पहले स्क्रिप्ट लिखते होंगे फिर डायरेक्टर. ना 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 ना, ये गलत फहमी है तेरी. मैं बताता हूँ तुझे बॉलीवुड फिल्मों की रेसिपी. तूने कभी खाना बनाने से पहले खाना गरम किया है? भाई ख्याली पुलाव सुना तो था, खाया नहीं कभी. क्या बात कर रहा है, बॉलीवुड तो ये काम सालों से करता आ रहा है. पिक्चर बनने से पहले तो पिक्चर हिट हो जाती है इनकी. भाई वो कैसे? सिंपल है, पिक्चर बनने से पहले कोई भी एक नल्ला रिपोर्टर हायर करो जो 24 घंटे हीरो हीरोइन के पीछे कुत्ते की तरह घूमेगा. और उनका एयरपोर्ट लुक, जिम लुक, शॉपिंग लुक, गाड़ी में घुसने का लुक, गाड़ी से बाहर निकलने का लुक, कुत्ता घुमाने का लुक, खाना खाने का लुक, रास्ते में सुसु करने का लुक, टट्टी करने का लुक कैप्चर करके उसकी न्यूज बना दो. फिर किसी लल्लू के शो पे बुलवा के गुड्डा गुड्डियों का लफड़ा शुरू कर दो. फिर ये निब्बा निब्बी इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को टैग करके पिक्चर को वायरल कर देते. और हमें भी तो वही देखना है, कौन सा एक्टर का बेटा कौन सा कच्चा पहनता है, कौन सा एक्टर की बेटी पार्टी में उल्टी करती है. हमारी लाइफ चाहे झंड पड़ी हो, उनकी लाइफ में पिंपल आ जाता है तो घर में हमारी पिंकी 2 दिन मुल्तानी मिट्टी लगा के बैठ जाती है. ना पिंपल वाली चाहिए, ना सिंपल वाली चाहिए, नागू को आइटम तो डिंपल वाली चाहिए. क्या करेगा डिंपल का? एयरपोर्ट पे दारू की बोतल छुपाऊंगा उसमें. क्या तेरे को याद है अपने को एक बार बॉलीवुड पार्टी में इनवाइट किया था? भाई इनवाइट नहीं किया था, झोल करके घुसे थे हम लोग. एक्सक्यूज मी. यस. आपका नाम? मजनू भाई. मरवाएगा ये आज. आपका नाम तो नहीं है यहाँ पे? अब एक कान के नीचे वेलकम करूंगा. मजनू भाई को नहीं जानता क्या? नहीं, बालों के भूत बातों से नहीं मानते. ये देख एकदम चकास. अरे अनिल दादा जाओ जाओ, पहले दिखा देते बाल, नेक्स्ट टाइम तू कहेगा तो नीचे से चकास करूंगा. नेक्स्ट. आपका नाम? मैं सोनम कपूर. बाल दिखाऊं क्या मैं भी? अरे सॉरी, जाओ आप भी जाओ, खानदानी खेती लगती है. नेक्स्ट. भाई पार्टी के चक्कर में 6 महीने छाती के बाल नहीं काटे थे पता है? वो पार्टी में तू तो दारू पी के माधुरी के भाव में लुढ़क गया. माधुरी तू मेरी पानीपुरी और मैं तेरा रगड़ा. जाओ डॉक्टर रहने से कर ले झगड़ा और मैं पहनूंगा शादी का पगड़ा. सॉरी पगड़ी. फिर मैं बारटेंडर के पास गया, तब मैंने एक असुर मरनीय चीज देखी. क्या असुर मरनीय? विस्मरणीय होता है अगरबत्ती. हाँ भाई. अरे शेट्टी साहब कहाँ हो आप, तो दिखते ही नहीं. अरे वो शूटिंग में गलती से मैंने हमारे साले साहब की स्कॉर्पियो पहाड़ से नीचे फेंक दी. बीवी बोली हिमालय से घर तक चल के आ, तो अभी जाके पहुंचो. अरे अजय आ गया, एक मिनट विमल खा के आ. तो हाँ मेरे लिए भी एक पैकेट लाना, कॉफी में डाल के पीऊंगा. अरे रे. अरे भट साहब हिमालय से चल के तो ये घर पे आया, आपके घुटने में दर्द क्यों है? अरे वो कल रात को मैं अपनी नई मूवी की स्क्रिप्ट लिख रहा था. हाँ मेरे भी घुटने में दर्द रहता है आजकल. अंकल अंकल आप दोनों का घुटने में दिमाग है? अरे आपकी सोनपरी तो बड़ी होशियार है. हाँ पता नहीं, ये लॉलीपॉप ले किसी को बोलना मत. चंकी पांडे की बेटी है. अंकल आप भी तो लॉलीपॉप. मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता. तो फिर आपके घुटने में दर्द क्यों हो रहा है? ये पार्टी है या पागलखाना? अंकल अंकल मेरे को मूवी में लो ना. अरे वाह आपका क्या टैलेंट है. मैं ना अपनी जबान से अपनी नाक थूथकती हूँ, ये देखो. वाह वाह वाह, कल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने आ जाना. अंकल अंकल मुझे भी आपके साथ काम करना है. अच्छा आप कुछ करके दिखाओ. ए मोटे इधर आ, माँ की एक्टिंग करके दिखाओ. हाँ दिखा. कभी हीरो नहीं बनूंगा. तू बनेगा मेरे राजा, तू एक दिन जरूर हीरो बनेगा. ये मेरा दिल कहता है, एक माँ का दिल कहता है. वाह 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 वाह. ओके तुम इसकी माँ का रोल प्ले करोगी, साइड एक्टर. हेलो नेटफ्लिक्स. जी आरती जी. हाय हाय. ये ले चूरन. क्यों? ये दिन में 2 बार खाओगे तो पिक्चर में कम टॉयलेट में ज्यादा हगोगे. हाय हाय.
एक बॉलीवुड हीरो तुझे हमेशा थिएटर में कम जिम में ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि एक्टिंग उसे थोड़ी ना करनी है, एक्टिंग तो उसके एब्स को करनी है। मुझे याद है वो दिन जब मैं जिम में बड़े बड़े स्टार किड्स को ट्रेनिंग देने जाता था। 155 156 क्या था? हाँ सर बोलिए, क्या दिखाऊं? माल अच्छा है ना आपका? अरे एकदम ताजा माल है सर, टेंशन मत लो आप। ये देखिए कुमार खानदान की फसल है। शर्ट ऊपर करो। क्यों? बोला ना शर्ट ऊपर कर, तो ऊपर करने का। आप देखिए सर, 1 2 3 4 4.5 बस नहीं, कुछ और दिखाओ। बिल्कुल सर, हमारे पास तो डजन में भरे पड़े। ये देखिए कपूर खानदान का एकदम कौला माल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 वो ऐप नहीं है। इसका क्या भाव है? सिर्फ 5 करोड़, फिर 5 साल के लिए बेल आपका। खराब तो नहीं होगा ना? अरे सर मैं गारंटी देता हूँ, 10 साल तक एक भी ऐप नहीं पिघलेगा। वो भोसर गुल्ली का हीरो 2 महीने में फैमिली पैक लेके घूम रहा था, मेरे को नौकरी से निकाल दिया उन लोगों ने। भाई लेकिन हॉलीवुड में तो बिना ऐप्स वाले एक्टर भी है जो बहुत मेहनत करते हो, सक्सेसफुल भी है। वो तो बॉलीवुड में भी है, लेकिन क्या फायदा? अगर विल स्मिथ और टॉम हैंक इंडिया में पैदा होते तो उन्हें तारक मेहता में नट्टू काका और बागा का रोल मिलता। टैलेंट का क्या? टैलेंट बॉलीवुड में नहीं होता, यहाँ यूट्यूब पे होता है। बॉलीवुड में तो सिर्फ ऐप्स होते हैं, ये बड़े बड़े ऐप्स, 6 पैक 8 पैक 10 पैक, जितने ज्यादा ऐप उतनी बड़ी फिल्में। भाई आप क्या उनकी बुराई कर रहे हो? आप तो खुद तू फोर्थ वॉल ब्रेक करने की बात कर रहा है। हाँ। तू फोर्थ डायमेंशन में जाने की बात कर रहा है। हाँ कर रहा हूँ। ये ले फिर। नमस्कार दोस्तों, क्यों चौंक गए ना? मैं हूँ ध्रुव राठी और मैं ही हूँ आपका अपना असली एंग्री क्रश। आज हम बात करेंगे दोस्तों बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में। ये तो वही है ना जो सब जानता है। तू कुछ बोला क्या? नहीं नहीं, शायद संतरे की जगह मौसमी पी लिया आज। तुम लोग कंटिन्यू करो। हाँ तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों बॉलीवुड में कितना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं, भाईचारा होता है, नेपोटिज्म। सॉरी, आप तो जानते ही होंगे बॉलीवुड में कितना भाईचारा है यानी नेपोटिज्म। लेकिन इसी बॉलीवुड में आपको मिलेंगे कंगना रोनाल्डो और सोनू मस्त मगन जैसी ओपोजिशन पार्टियां, जो अभी मंत्रालय में टिकी हुई है। अबे मंत्रालय नहीं, मन्नत लिखा था, ये मरवाएगा मेरे को। बॉलीवुड में तो सिर्फ नेपोटिज्म होता है, लेकिन यूट्यूब में आदमी को किडनैप करवा के जबरदस्ती बुलवाया जाता है कि मैं ही हूँ असली एंग्री प्राश। ये स्क्रिप्ट किसने बदली? मैं कमरा देख रहे हो आप, जहाँ इसने मुझे बंद करके रख रहा है, पीछे एक और कमरा है जहाँ पे और यूट्यूबर्स को भी बंद करके रख रहा है और जबरदस्ती हमसे बुलवाने लग रहा है। स्क्रिप्ट दे रखी है बोलने के लिए, मैं असली एंग्री क्रश नहीं हूँ, जबरदस्ती करने लग रहे हैं। बॉलीवुड से नेपोटिज्म हटे ना हटे, यूट्यूबर से एंग्री क्रश की दादागिरी हटाओ। ए क्या बोले जा रहे हैं? कैमरा बंद कर, कैमरा बंद कर। मजनू ये स्क्रिप्ट किसने बदली? भाई मैंने कुछ नहीं किया, स्क्रिप्ट तो नागो के पास थी। वो भी बस इधर गए। बॉलीवुड फिल्मों में स्क्रिप्ट खाने में लहसुन के बराबर होती है। ज्यादा डालोगे तो ऑडियंस का पेट खराब हो जाता है, फिर भोपाली की ऑडियंस इंटरवल में भाग जाती है। बॉलीवुड फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर खुद रात भर जाके स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर सुबह उठ के स्पॉट बॉय बनके उसी स्क्रिप्ट में एक्टर लोगों को भेलपुरी खिलाते हैं। भाई हॉलीवुड में तो स्क्रिप्ट के बिना पिक्चर ही नहीं बनती। एकदम शत प्रतिशत सच बोला है तू मजनू। हॉलीवुड में स्क्रिप्ट के बिना पिक्चर नहीं बनती और हॉलीवुड के स्क्रिप्ट के बिना बॉलीवुड में पिक्चर नहीं बनती, क्योंकि ऑडियंस तो चूतिया बैठी है, उनको इंग्लिश कहाँ आती है। ये वीडियो के नीचे जो सबटाइटल का बटन है ना, उसमें और बॉलीवुड में सिर्फ इतना फर्क है कि यूट्यूब के बेचारे सबटाइटल पैसा नहीं लेते। #subtitle open the chat। Very true. जब भी मैं आजकल के बॉलीवुड मूवीज के गाने सुनता हूँ, ऐसा लगता है मैं हाईवे के ढाबे पे बैठा हूँ और वेटर मेरे से ऑर्डर लेने आया है। सोच एक मूवी प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर का कॉन्वर्सेशन कैसे होता होगा। वेटर मेरी नई मूवी के लिए कुछ गाने लेके आओ। हाँ बोलो ना सर, गाने में क्या दूं आपको? समोसा, जलेबी, वड़ा पाव, पेप्सी, कोका कोला। बता कोका कोला तू। अच्छा जलेबी दिखाओ। जलेबी भाई यहाँ, जलेबी भाई वहाँ। वाह वाह, कुछ नॉनवेज में है क्या? है ना सर, तंदूरी मुर्गी, चिकन कुकड़ू, मटन कबाब। हाँ जलेबी, कोका कोला और तंदूरी मुर्गी पैक कर दो। जी सर अभी करता हूँ। ए प्रीतम, इसको पैक कर, फौरन की तुमका मस्का लगाओगे, 10 साल तक कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। जी अभी करता हूँ। एक्सक्यूज मी, इसको देखा है किधर? ए प्रीतम दुकान बंद कर, भाग यहाँ से भाग। मुझे लगा लड़कियों को खाने पीने के चीजों से बुलाने पे मजा आता है, तो मैंने भी ट्राई किया एक बार बस स्टॉप पे। ए जलेबी, ए कोका कोला, ए पेप्सी, ए वड़ा पाव। उन्होंने मारा क्यों आपको? क्योंकि उस दिन मुझे पता चला कि बॉलीवुड भी फिक्शन मूवीज बना सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में किसी को वड़ा पाव बोल दिया तो रात को झंडू बम लगा के सोना पड़ता है। अरे झंडू बम तक को नहीं छोड़ा इन सॉन्ग राइटर्स ने। मजनू बहुत लोडू किस्म के लोग होते हैं बॉलीवुड वाले, इनके पिछवाड़े पे ढक्कन नहीं लगाया तो पूरी दुनिया में बास मारते फिरेंगे। ए, गाली देख के कॉमेडी करता है। कॉमेडी नहीं थी, गाली थी वो। अगर गालियों से इतनी नफरत है तो नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देखना बंद कर दो और दूरदर्शन लगा के बैठ जाओ घर में। काश वो डिंपल वाली दूरदर्शन का एंटीना होती तो मैं उसे घुमा घुमा के सेट कर देता। काश वो पिंपल वाली नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन होती तो मैं हमेशा दोस्तों से लेता। काश ये हॉस्पिटल होता और तुम दोनों मेरे पेशेंट होते। चलो भाई।
भाई एक्शन मूवीज पे कुछ नहीं बोलोगे? एक्शन मूवीज? तूने कभी दो बिल्लों को एक बिल्ली के लिए लड़ते हुए देखा है? मेरी है वो। मेरी है? मेरी है बोला ना, मेरी है, मेरी है। छोड़ एम्पायर की नाजायज औलाद। हाँ बस यही दिखाते आ रहे बॉलीवुड वाले हमें सालों से एक्शन सही के में। वहाँ हॉलीवुड वालों ने 1970 में दूसरे प्लेनेट पे जाके एक्शन सीन दिखाया और यहाँ आज भी हमारे एक्शन हीरो का पिछवाड़ा डिसुम डिसुम करता है। कौन है बे? स्वागत तो करो हमारा। ये नागू दारू छोड़, प्लेन निकाल। मजनू छोड़ना मत, नीचे फुटपाते। भाई सुबह सांडे का तेल लगाता हाथ को धोना भूल गया। क्या? लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हर जगह होता है। और हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि बॉलीवुड में बहुत सारे बड़वे लोग हैं, लेकिन क्यों भैंस के आगे बीन बजाना? अगर किसी में टैलेंट है तो इंटरनेट ओपन है, और बॉलीवुड इंटरनेट के झाट के बराबर भी नहीं है। हम लोग उन्हें फोकट का इंपॉर्टेंस देते और वो लोग बड़े होते। अगर सपोर्ट करना ही है तो उन मूवीज को करो जो हमें एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रही है। रेस 3 और बागी 3 देख के सिर्फ उनकी जेबें भर रही है, तुम लोगों का दिमाग खाली हो रहा है। होने दो, मेरे को क्या है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको। और एक बात, एक छोटा सा कोलैबोरेशन था दोस्तों मेरा एंग्री क्रश के साथ। मैं ध्रुव राठी हूँ, एक और यूट्यूबर, इन्फॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ और एंटरटेनिंग ब्लॉग्स बनाता हूँ। आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा चैनल का, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, एंग्री क्रश की ऑडियंस का, इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच ध्रुव राठी फॉर डूइंग दिस फन कोलैब विद मी। मैं आपको फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। अलविदा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा धोया यार, धो के पंच, मतलब क्या पंच मार मार के पंचनामा बनाया है। सब कुछ चीज कवर किया, स्क्रिप्ट भी, एक्टिंग भी, फिर सब कुछ, मतलब नेपोटिज्म, सॉन्ग्स, एवरीथिंग, सब कुछ। मतलब ये तो बिल्कुल जो भी बात इन्होंने बोला पूरा एकदम पाई टू पाई सच है कि नेपोटिज्म के चक्कर में ये लोग ट्रू टैलेंट को नहीं पता देते हैं। और मतलब इन लोगों का सर में ना हाँ गोबर भरा रहता है। एक्शन बोलिए, ये लोग कोई भी कंटेंट बना देते हैं और बस पैसा कमाने के लिए। और ऑडियंस भी ऐसे है ना कि खुद में ही लड़ते हैं, ठीक है। अभी ऑडियंस ज्यादा समझदार रहे हैं, हाँ अभी समझ रहे हैं तो ज्यादा भाव नहीं दे रहे, ज्यादा भाव नहीं दे रहे, क्योंकि अभी ना वो जो सुशांत सिंह राजपूत जी का केस के बाद मैं देखी हूँ कि बहुत अच्छे से ऑडियंस यू नो ये सब चीज को समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना कुछ हुआ है। इतना सारा हम लोग कॉन्ट्रोवर्सी वीडियो वगैरह सब चीज देखे तो एटलीस्ट हमें भी समझ में आ रहा कि हाँ बहुत हद तक ये लोग गलत भी है। और जो चीज़ गलत है ना हम उसको स्ट्रेट अवे बॉयकॉट भी कर रहे हैं, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, हम वो जो दुर्गा मती वो वीडियो, वो मतलब मूवी देखे नहीं है। और ऐसे भी उसके बाद डब मूवी था तो सच में सच बोलूँ तो ट्रेलर क्या था, वो ट्रेलर मतलब मजाक बना के रख दिया, वो देखे नहीं। ऊपर से जो सरक उसका तो मैं ट्रेलर टीजर कुछ भी नहीं देखी मैं, ठीक है। मतलब समझ ही, मतलब दिल भर गया मेरा ये सब चीज़ से कि हाँ ये लोग तो ऐसे ही हगने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम देखे नहीं। और अभी समझ में भी आता है कि कौन सही है कौन गलत है। इतना तो हम लोग सब समझ रहे हैं। जैसे बागी 3 का बात है, बागी 3 मुझे टू बी वेरी फ्रैंक उतना बुरा नहीं लगा था, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं लगा था मुझे बागी 3 का जो स्टोरी था। स्टोरी मतलब कुछ भी ऐसा बाकी है, सारा फाइट करो, एक्शन करो, वही दिखाओ। इतना अनरियल फाइटिंग, अनरियल एक्शन, बहुत कुछ दे देता है। हाँ, और ये तो बात बिल्कुल सही है कि उन लोगों का बॉडी मतलब पूरा एप्स रहेगा तभी जाके सिलेक्शन होगा, चाहे वो कितना भी मतलब घटिया एक्टिंग क्यों ना कर ले। जैसे बहुत सारे एक्टर ऐसे है बॉलीवुड का, न्यू लॉन्च हो रहा है नेपोटिज्म के चलते ही, उन लोगों का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। हम देखे थे ना रिसेंटली, तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, लेकिन उन लोगों का एकदम फिजिक बहुत अच्छा है तो इसको मूवी में ले लो। और अजीब है, और क्या बोलते हैं रियल टैलेंट देख लो, पंचायत वो सीरीज, टीवी सीरीज क्या मस्त। आई एम वेटिंग फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ दैट, सेकंड सीजन कब आएगा पता नहीं, बट जो भी था वो मस्त था। इससे अच्छा नेटफ्लिक्स, मतलब नेटफ्लिक्स जो सोशल नेटवर्क जितना सारा सीरीज आता है प्लेटफॉर्म में, बहुत अच्छा बालाजी या फिर होइचोई, ओल्ड बालाजी उतना अच्छा नहीं है। ओल्ड बालाजी में तो सब कोई मतलब वही कुछ कुछ सीरीज जो आता है ना, तो वही जो रियल टैलेंट को लेकर के जो आता है ना, वो सब बहुत मस्त है। मतलब सीखने को मिलता है कि हाँ चलो भाई देख के मजा आया, अच्छा लगा देख के। लेकिन बॉलीवुड का क्या बोले, मैक्सिमम पोर्शन ऐसा इतना बिक गया है ना, नाक कटवा दिया पूरा एकदम। और टू बी वेरी फ्रैंक मैं बोल रही हूँ ना ये सब चीजें तो मुझे बुरा फील नहीं हो रहा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ मैक्सिमम ऑडियंस इस चीज को समझेंगे और ये सही भी है, एग्री करते, बोलना भी तो चाहिए ना, ये लोग भी अपना उस टाइप के कंटेंट लेकर आएगा।
यही है, तो बहुत अच्छा लगा, मतलब एंग्री ब्रश आप तो धो धो के रख दिए हो, मजा आ गया फर्स्ट वीडियो में ही, मुझे बहुत ज्यादा मजा आ गया। ठीक है, अभी एंग्री ब्रश का वीडियो और ज्यादा करेंगे। यस, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, तो वी थॉट वी रैंडमली हैव चोजन दिस एंग्री ब्रश वीडियो। इफ यू हैव एनी सजेशंस जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट बार के कौन सा वीडियो हम एंग्री ब्रश का करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों का जो वो कार्टून टाइप का बना के जो बोल रहा है ना, ऐसे मुंह कर रहा है फिर ऐसे उदास, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक और एमजीओ का वीडियो हम करते हैं जहाँ पे ऐसे टाइप का एनिमेशन देखे हैं हम। यस यस, हम करते हैं एमजीओ का वीडियो भी हम किए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। एमजीओ का वीडियो में सबसे मस्त मुझे लगा वो ऑनलाइन क्लासेस तबला सर वो अभी भी देखते हैं हम, मतलब हमारा ही जो रिएक्शन है ना वो देख देख के हम मतलब हंस पड़ते हैं। और सबसे मस्त वो लगता है उसमें वो नानी का कैरेक्टर, अरे तू है तबला, तू है तबला। तो बहुत अच्छा एंग्री ब्रश का वीडियो, बहुत अच्छा लगा, डेफिनेटली बहुत इन्फॉर्मेटिव था। जो भी चीज़ उन्होंने बोला है हार्श था, हार्श रियलिटी, मतलब नेकेड ट्रूथ ऑफ द बॉलीवुड, बहुत अच्छा तरीके से मेंशन किए हैं। एंड इट इज़ अ 10/10 फ्रॉम आवर साइड, रेटिंग तो हम देंगे ही, 10/10 है हमारे लिए, तो एकदम मन की बात है भाई। बिल्कुल, तो यस बहुत अच्छा लगा ये वीडियो, एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। नाउ दिस इज द टाइम टू रीड द कमेंट्स फॉर टुडे। यस, सो द फर्स्ट कमेंट फॉर टुडे इज फ्रॉम मधुवा ए, एंड ही इज राइटिंग हिज कमेंट ऑन वादुवेल वॉक्स 2.0 रिएक्शन, एंड ही इज सेइंग अ नाइस रिएक्शन, ग्लैड यू एंजॉयड सर्स कॉमेडी, थैंक्स फॉर जेनरसली अप्रिशिएटिंग वादुवेलु टैलेंट। यस ऑफ कोर्स, ही इज ट्रू टैलेंट एंड वी ऑलवेज अप्रिशिएट एनीबॉडी हु इज हैविंग द ट्रू टैलेंट। या एंड ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ही इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, सो दैट इज व्हाई we have chosen that yes this week right. we have to give reaction of Vadivelu sir. We know that 1 week is not sufficient to right. showcase our respect to Vadivelu sir's comedy video, yeah. but what to do, we have to cover some other things also, because yeah. it is a not only one content channel, this yeah. is a channel, a platform where we give reaction on different type of contents. Yes. That is why 1 week for Vadivelu sir. But if you guys like, completing this week, we are going to give our reaction on Vadivelu sir's scenes and regularly. This is not only 1 week only we are giving reaction, and after that we hum bhul jaye. Yes. No, nothing like that. So yes, we are enjoying like anything. Yeah. So I think already 5th video of Vadivelu sir's comedy already have published in Mr. Mrs. Pandit 2.0 channel, and I am hoping that people are enjoying the series. Yeah. Right, I think whatever and the response we have got, I we are think extremely people happy. Are enjoying this. People are enjoying, and we are gotten a lot of comments and good comments, positive comments for particularly chosen for this kind of Vadivelu sir's video, and we are very very happy and honored, okay, that you guys liked it. Yes. And yes, please go and check that, all of the Vadivelu sir's comedy video which I have posted in Mr. Mrs. Pandit 2.0. And please don't forget to subscribe that channel also as well. Yes. Okay, so yeah, thank you so much, Madhuva, for commenting and for watching our videos. Yes. So the second comment for today's video is from Jan Baba, and he's commenting, Oh bhai, maro mujhe. Kisse umeed laga ke baitha hun, Angry Prash reaction ka. उम्मीद आप लगाए हो, हम जरूर उम्मीद में खड़े हुए हैं आज, है कि नहीं? तो आप बताइए कैसा लगा हमारा वीडियो, एंड कोई सजेशन है एंग्री प्रश के ऊपर, मतलब गोइंग फॉरवर्ड हम करेंगे। And also for you guys, people, you generally think that we don't give whatever you are asking. But the problem is that we have to cover a lot of the comments yes. we get, and slowly we are covering each and every comment. So day by day, everything is getting accumulated a lot. Yes, so please stay tuned and stay yes. just के हाँ ओके ये लोग करेंगे ओके हम ऐसा नहीं कि नहीं करके चले जाएंगे ऐसा नहीं है, बट कोई कोई वीडियो ऐसा होता है ना कि कॉपीराइट वगैरह का इशू yes. रहता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, सच बोल रहे हैं। वीडियो ऐसा भी होता है कि फिल्म किए हैं, एडिट किए हैं, उसके बाद ब्लॉक हो गया, ऐसा बहुत बार हुआ है, वी आर नॉट एबल टू पब्लिश दैट, सो ऐसा होता है। यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड, बट हाँ आज का वीडियो तो आपको एंजॉय करना ही है, एंड बोलना है कैसा लगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट एंड फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस जान बाबा। यस,
So the third comment for today's video is from Gopinathan B, and he is commenting, Vadivelu has made many laugh and forget their sadness. Yes. I like his comedies more. He is children's favorite. Yes, of course, not only children's, but for every generation, you can say. Ha, ha, ha. So old generation, new generation, and I think the coming generation, they will also love his comedies. Actually, his comedy sense is very pure and very real. Right. Okay, that's very true. Pure exactly. Comedy what, form. Whatever we have Vadivelu seen says. For other comedian like Charlie Chaplin. Mr. Bean, he never speaks anything, but still his expression and way he acts made everybody laugh. And way, so, you're right, he never uses anything vulgar thing. Never use any vulgar, bad language. Vadivelu sir is that kind of person, yes. Very pure form of comedian, right. Whose video everybody can enjoy, like children or old people or like us, like, young stars, also, everybody. Also, his comedy is something like that. If you sit with family also, you can enjoy. All of your sadness will go instantly. Right. And that is what Vadivelu sir is. And I think in some point, Vadivelu sir's ka comedy jo hai, wo, it's far, far better than any other, you know, stand-up, right. big stand-up comedians like Mr. Bean or Charlie Chaplin. Right. As per like we are thinking like that. Stand-up comedy, comedy is like only humiliating others. That is what actually. Yes. So you are very true, Gopinathan, and we are sure that matlab next generation, uske baad wala generation, right. Like it is a chalta rahega. You know, yes. ever running process of, you know, Vadivelu sir ka video and comedy scenes. Everybody will enjoy. Now also is enjoying, previously also was enjoying, and will enjoy in future also as well. So yes, thank you so much, Gopinathan, for your comment and for watching our videos. So these are the three comments for today's video. Thank you to each and everyone whoever have commented, who are our subscribers, who watch our videos on a daily basis. That means a lot to us. Keep supporting us, keep watching our videos. And if you like today's content, don't forget to subscribe if you have not already. Yes. And please click on the like button to like this video and share this video with your friends and family. See you in the next video. Till then, bye.